आपका इस जानकारी के लिए अब सीधे आपको लेकर चलते हैं श्रीगंगानगर। मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं, ये तस्वीर आपके सामने है और मुख्यमंत्री का इंतजार भी किया जा रहा था। प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा को भी आप देख रहे हैं, साथ में मुख्यमंत्री के वो मौजूद हैं। ऐतिहासिक बुढ़ा जोहड़ गुरुद्वारे में मत्था मुख्यमंत्री टेकेंगे और पहले से ही लोग वहां पर मुख्यमंत्री का इंतजार कर रहे थे। इससे पहले हनुमानगढ़ में मुख्यमंत्री पहुंचे, वहां पर सर्किट हाउस में कार्यकर्ताओं नेताओं से मुलाकात की, जनसुनवाई की, उसके बाद ऐतिहासिक बुढ़ा जोहड़ गुरुद्वारा मुख्यमंत्री पहुंचे हैं, मत्था यहां पर टेकेंगे। पैनोरमा का निरीक्षण भी मुख्यमंत्री करेंगे। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, विशेष इंतजाम यहां पर किए गए हैं और काफी समय से लोग यहां पर मुख्यमंत्री का इंतजार भी कर रहे थे। और खास ये भी है क्योंकि यहां पर भी लोग अपनी बातों को मुख्यमंत्री के समक्ष रखने के लिए पहले से ही मौजूद हैं। और फिलहाल आप देख रहे हैं सुनील सिहाग मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, क्योंकि इससे पहले जब हम जुड़े थे आपने बताया था कि मुख्यमंत्री का इंतजार वहां पर लोग कर रहे हैं, व्यवस्थाएं पूरी हो चुकी हैं, अब मुख्यमंत्री गुरुद्वारे में एंटर कर गए हैं, हम तस्वीर देख रहे हैं, और आगे आप बताइए क्या कार्यक्रम कैसे होगा। बिल्कुल दीपिका, देखिए जो इंतजार था सीएम गहलोत का यहाँ के आने का, मुख्यमंत्री का, जो लोग काफी समय से जो इंतजार कर रहे थे उनकी एक झलक पाने के लिए, तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो गुरुद्वारे के अंदर पहुंच गए हैं और यहाँ से दर्शन करेंगे, गुरुद्वारा मत्था टेकेंगे। इसके बाद में बिश्नोई मंदिर जाने का प्रोग्राम है, जो डावला में इसी थोड़ी दूर पे 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बिश्नोई मंदिर है डावला के अंदर, वहां पे इनका जाने का कार्यक्रम है, वहां पे मत्था टेकेंगे और उसके बाद में वहां से सीधा आप निर्मा का जो निरीक्षण का जो चल रहा था अभी तक मुख्यमंत्री है उनको कार्यक्रम तो जरूर बना हुआ है, हालांकि वहां पर जाना कंफर्म नहीं है अभी तक, पैनोरमा का निरीक्षण कर रहा और उसके बाद जैसे ये सारी चीजें होके उसके बाद में यहाँ से सीधा सूरतगढ़ के लिए रवाना होंगे, सूरतगढ़ से फिर वो जयपुर के लिए प्रस्थान कर जाएंगे। जी दीपिका जी, सुनील पैनोरमा का निरीक्षण मुख्यमंत्री करने वाले हैं, पैनोरमा के बारे में हम चाहेंगे थोड़ा बताइएगा दर्शकों को, जिसे उनको पता चल पाए, जो बुढ़ा जोहड़ गुरुद्वारे का गौरवशाली इतिहास है उसी के बारे में वहां पर दर्शाया गया है, उसी का निरीक्षण मुख्यमंत्री करने वाले हैं। बिल्कुल दीपिका, जैसे पैनोरमा का जो बजट यहाँ पे पैनोरमा जब बनाया गया था, जो ऐतिहासिक उस तरह है उस समय के जब सिखों के जो बलिदान के जो सबूत है और जो महापुरुषों से जुड़ी हुई जो चीजें हैं वो यहाँ पे पैनोरमा में रखी गई है, उनकी मूर्तियां यहाँ पे लगाई गई है और सीएम अशोक गहलोत ने ही यहाँ का बजट ये था पैनोरमा के लिए, उन्होंने ये उनके निर्देश में ये बना था। तो हालांकि अभी तक पैनोरमा में निरीक्षण करने का कार्यक्रम सीएम का बन रहा है, इससे पहले गुरुद्वारे में अभी मत्था टेक रहे हैं, गुरुद्वारे के अंदर सीएम मुख्यमंत्री गहलोत प्रभारी सुखजिंदर रंधावा प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ये सब तमाम लोग और यहाँ के जनप्रतिनिधि यहाँ के जो विधायक है वह सारे यहाँ पे गुरुद्वारे के अंदर मौजूद है, पहुंच चुके हैं। फिलहाल जो अभी लोगों से जो लोग थे पलक पावड़े की छाते उनको देखने के लिए उनका इंतजार कर रहे थे, उनका वो इंतजार खत्म हुआ है, एक एक करके मुख्यमंत्री गहलोत है जो उन सबसे मिल रहे हैं, मिलने के बाद में दर्शन करेंगे, गुरुद्वारे के अंदर मत्था टेकेंगे, मत्था टेकने के बाद में तुरंत यहाँ पे कीर्तन भी होगा, 10 मिनट करीब यहाँ पे गुरुद्वारे के अंदर ही रुकने का कार्यक्रम है और साथ ही साथ अमावस्या का भी मेला यहाँ पे बुढ़ा जोड़ गुरुद्वारे के आसपास यहाँ पे पड़ता है, तो आज का दिन बड़ा शुभ दिन है, तो सारी चीजें यहाँ पे जो नारे यहाँ पे जो लग रहे हैं सत्य अकाल के नारे लग रहे, तो बोले सो यहाँ सत्य अकाल, इस तरीके की जो सीएम गहलोत की अगवानी हुई है, जो जनता है जो नारे से कर रही है, तो यहाँ से भी जो सीएम है जो मुलाकातों का दौर चल रहा है, पुलिस प्रशासन का जाप्ता भी काफी बड़ी संख्या में यहाँ पे मौजूद है, तो एक एक करके लोग यहाँ से मिल रहे हैं। सीएम गहलोत अभी गुरुद्वारे के अंदर प्रवेश करते हैं, यहाँ पे अभी थोड़ी देर यहाँ पे रुकेंगे, अवकाश होगी उसके बाद में 10 या 15 मिनट गुरुद्वारे के अंदर रुकेंगे, यहाँ से फिर बिश्नोई मंदिर जाएंगे। दीपिका, अच्छा सुनील, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि गुरुद्वारे में मुख्यमंत्री पहुंचे हैं लेकिन वहां पर भी बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं मुख्यमंत्री को देखने के लिए, उनसे मिलने के लिए, लेकिन हमने देखा कि जैसे मुख्यमंत्री ने एंटर किया गुरुद्वारे में कुछ लोगों से मुख्यमंत्री मिले हैं, कौन है वो, कुछ बता सकते हैं उनके बारे में आप? बिल्कुल दीपिका, जैसे किसान प्रतिनिधि है जो किसानों का संगठन है वो उन्होंने ज्ञापन सौंपा है मुख्यमंत्री गहलोत को, उनकी मांग है कि जो
एच नहर है यहाँ पे, इसके कम से कम क्योंकि घटना ज्यादा है, ज्यादा जमीन है वो पूरी सिस्टम नहीं हो पाती, इसलिए इसके दो टुकड़े करके दो नहरें अलग निकाली जाए। और गंगानगर पुल निर्माण जो गंग नहर है, जो गंग नहर जो पानी आता है श्री गंगानगर के अंदर, उसके अंदर पोंड बनाया जाए, क्योंकि पानी स्टोरेज जब करना हो तो इसके अंदर पोंड बना के पानी स्टोरेज करे, जब पानी की कमी आती है उन गर्मियों के दिनों में, उसमें उस पोंड का पानी है जो काम में लिया जाए, तो एक ये है। और दूसरी बड़ी मांग यहाँ पे है, जो बॉर्डर का इलाका है, गगर नदी है जो बरसाती पानी से गगर नदी आती है बरसात के दिनों के अंदर, उस समय जो पानी आता है वो आखिरी आखिर तक नहीं पहुंच पाता, आखिरी के किसानों तक नहीं पहुंच पाता, पेल तक नहीं पहुंच पाता, इसलिए यहाँ पे किसानों का जो पूरा पानी मिल नहीं पाता, जो पानी है जो पीछे ही काफी बड़ी मात्रा में स्टोरेज कर लिया जाता है, तो यहाँ पे महरूम रह जाते हैं किसान, इनको पानी नहीं मिल पाता। एक बड़ी मांग ये है किसानों ने ज्ञापन सौंपा है। दूसरी बात, फिरोजपुर फीडर का निर्माण, सबसे पुरानी फिरोजपुर फीडर ठीक है वो टूट गई है, उसका पुनर्निर्माण करने के लिए किसानों ने ज्ञापन सौंपा है। तो ये कुछ मांगे हैं जो किसान के पहचान रहने क्षेत्र है गंगानगर का, तो ये किसानों से संबंधित, हालांकि कल बड़ी घोषणा जो है मुख्यमंत्री गहलोत ने मौके पर कल जब कार्यक्रम की लॉन्चिंग हुई थी आज से आठ जोड़े हजार के गंगानगर के अंदर, तो यहाँ पे पूरे मंत्री है दिल्ली सिंह मौजूदा श्री केंद्र विधायक है, उनके क्षेत्र के अंदर गंगानगर सीधे नींद चलती है, तो वहाँ पे जो गन्ना किसानों का सरकार जो लेती है खरीदती है, तो वो पंजाब के बराबर किसानों ने कहा था कि 20 रुपए पंजाब में दिलों का बॉर्डर एरिया है गन्ना नेता पंजाब पास में लगता है, वहाँ पे 20 रुपए महंगा किसानों से गन्ना लिया जाता है, जबकि गंगानगर के अंदर राजस्थान के अंदर 20 रुपए सस्ता लिया जाता है सरकार के द्वारा। तो मौके पर जब विधायक गुरमुख सिंह ने मांग की पंजाब के बराबर ही गन्ना हमारा यहाँ लिया जाए, तो मौके पर ही मुख्यमंत्री गहलोत ने भाषण देते हुए संबोधन करते हुए जनता को वहाँ पे किया था कि ये आपकी विधायक मांग है, किसानों की विधायक मांग है, तो मैं आज से इसकी घोषणा करता हूँ, जो गंगानगर के जो किसान है या चाहे रहते जाते गन्ना उत्पादक किसान है, उनको पंजाब के बराबर किसानों को मूल्य मिलेगा। तो बड़ी घोषणा कल किसानों के लिए मुख्यमंत्री गहलोत ने मौके पर की थी, तो आज किसान है जो यहाँ के जो अभिलाषाएं बढ़ जाती है किसानों की, यहाँ जिस तरीके से जब तक मुख्यमंत्री गहलोत यहाँ पे सीएम रहे हैं, तब तक किसानों की ज्यादा अभिलाषाएं बढ़ जाती है, ज्यादा आशाएं बढ़ जाती है, क्योंकि किसानों के प्रति आमदन के प्रति किसान मुख्यमंत्री गहलोत बड़े संवेदनशील है, जो भी मांगे करती है, गाँव मानने वाली होती है, जो सीएम या राज्य सरकार को कल पूरी कर सकती है, वो किसानों के अभिलाषाओं के लिए किसान है ज्ञापन सौंपते हैं, और वहाँ पे पूरी भी होती है, कुछ ना कुछ जो मांगे होती है वो पूरी भी होती है। बिल्कुल, और अभी मुझे लगता है कि शबद कीर्तन यहाँ पर हो रहा है और सभी हाथ जोड़कर गुरुद्वारे में खड़े हुए हैं। सुनील, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए, जरा तस्वीरें एक बार फिर से अपने दर्शकों को दिखा दें कि अभी सभी ने मत्था टेका है गुरुद्वारे में और हाथ जोड़कर सभी प्रार्थना करते हुए नजर आ रहे हैं। और जैसे कि सहयोगी ने बताया भी कि मुख्यमंत्री जब गुरुद्वारे में पहुंचे तो वहां पर जो किसान प्रतिनिधि हैं उन्होंने मुख्यमंत्री को कोई ज्ञापन भी सौंपा है, संभवतः उनकी मांगे और सुझाव भी होंगे, और फिलहाल प्रार्थना करते हुए सभी गुरुद्वारे के अंदर की ये तस्वीरें, और मुख्यमंत्री भी इस दौरान मौजूद आप देख रहे हैं, प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा साथ में। मुख्यमंत्री का कार्यक्रम यहां पर बेहद खास इसलिए भी है क्योंकि जिस गुरुद्वारे में इस वक्त मुख्यमंत्री की मौजूदगी है इसका इतिहास गौरवशाली रहा है। बुढ़ा जोहड़ पैनोरमा का निरीक्षण भी मुख्यमंत्री करने वाले हैं। फिलहाल अभी प्रार्थना का दौर चल रहा है। सुनील, जरा हम ये भी चाहेंगे कि अभी यहां पर क्योंकि अगर शबद कीर्तन होता है तो फिर कुछ क्षण तो मुख्यमंत्री यहाँ पर ठहरेंगे फिर गुरुद्वारे में। हाँ बिल्कुल दीपिका, जैसे अभी अरदास का समय चल रहा है, लोग हाथ जोड़ के प्रार्थना भी कर रहे हैं, और 10 मिनट मुख्यमंत्री के यहाँ पे रुकने का कार्यक्रम है, जब तक अरदास चलेगी तब तक मुख्यमंत्री यहाँ पे अरदास सुनेंगे, और जो मन्नतें मांगनी है राज्य के लिए प्रदेश के लिए वो गुरुद्वारा में यहाँ पे मांगेंगे। ऐतिहासिक बूटा जोड़ गुरुद्वारा है जो पूरे देश भर में ये प्रसिद्ध है, यहाँ पे जो बलिदान जो दिए गए थे इस समय, तो वो इसी जो निशानी है वो यहाँ पे गुरुद्वारा बूटा जोड़ में है, तो यहाँ पे जो भी मन्नतें कहा जाता है कि जो भी मन्नतें इस गुरुद्वारे में आके मांगते हैं वो हमेशा पूरी होती है। तो सीएम गहलोत है जो राज्य के लिए प्रदेश के लिए कुछ मांगे जो अरदास करेंगे वो कर रहे
हैं और 10 मिनट तक यहाँ पे अरदास चलेगी। उस समय तक सीएम गहलोत है, प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा है, वो दोनों यहाँ पे मौजूद है और बड़ी संख्या में जो यहाँ के जो विधायक है, विधायक विधायक है, विधायक राजकुमार गोड़ है और ये सारे जितने जो जनप्रतिनिधि है यहाँ के लोकल के जनप्रतिनिधि है ये सारे यहाँ पे उनके साथ मौजूद है। तो यहाँ पे जब तक अरदास चलेगी तो सीएम यहाँ पे मौजूद रहेंगे। इसके बाद में यहाँ से सीधा यहाँ से जाने का प्रोग्राम है डाबला, जो डाबला यहाँ से बिल्कुल जो डाबला गांव के लिए स्थित है और डाबला गांव में एक प्रसिद्ध विष्णु मंदिर है तो वहाँ पे भी इनका जाने का कार्यक्रम है और वहाँ पे मत्था टेकने का कार्यक्रम है। तो यहाँ से सीधा वहाँ जाएंगे, वहाँ से आते मनोरमा का ये निरीक्षण कर सकते हैं। और जैसा कि क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के समय में ही ये मनोरमा का यहाँ पे निर्माण करवाया गया था, खुद सीएम गहलोत ने इसकी बजट में घोषणा की, उसके बाद इसका निर्माण हुआ। यहाँ पे ये दो तीन कार्यक्रम है और सीधा यहाँ के कार्यक्रम होने के बाद मुख्यमंत्री है जो सूरतगढ़ एयरपोर्ट से रवाना हो जाएंगे और वहाँ से सीधा एम्बुलेंस के जरिए प्रस्थान कर देंगे। जी बिल्कुल, मन्नत मांगी गई है। और सुनील, हम ये भी चाहेंगे जरा दर्शकों को समझा पाएं अगर कि अभी गुरुद्वारे के अंदर अभी क्या ये प्रार्थना का दौर जो चल रहा है इसके बारे में भी बताइए और आज के दिन के बारे में भी जरा बताइएगा कि आज क्या कुछ खास है और आज का दिन क्या कुछ विशेष है और अगर विशेष है तो क्या विशेष कार्यक्रम भी हो रहा है आज। डाबला केंद्र से मेला भरता है, जो समस्या के चलते लोग दूर दूर से आते हैं दोनों जगह यहाँ से गुरुद्वारा में अरदास उनके मत को दूसरा यहाँ से डाबला खरीदारी भी करते हैं और लोग अपने अपने अरदास लोगों की जो इच्छाएं होती है ईश्वर के प्रति वो भी मांगते हैं। दोनों दिनों की आज प्रदेश का मुखिया भी यहाँ पे मौजूद है तो किसान प्रतिनिधि क्योंकि उम्र है तो किसान है जो कैसे मांग रहे हैं और मुखिया है जो भगवान से मांग रहा है। जी अच्छा, सुनिए जरा ये हम तस्वीर देख रहे हैं कि अब मन्नतों का दौर तो खत्म हो गया, मन्नत मांग ली गई, मत्था टेक लिया गया, अब जरा ये बताइए कि क्या अब क्या सीधे मुख्यमंत्री पनोरमा का निरीक्षण करने के लिए जाने वाले हैं। सुनील आवाज मिल रही है आपको? तो देखिए अंदर की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं और अंदर की तस्वीरें भी आपने देखी, मुख्यमंत्री ने मन्नत भी मांगी, मत्था भी टेक लिया और वहां पर कुछ देर का शबद कीर्तन हुआ और उसके बाद अब मुख्यमंत्री बाहर निकल रहे हैं। संभवतः पनोरमा का निरीक्षण भी मुख्यमंत्री करेंगे और सिख धर्म का और इस गुरुद्वारे का जो गौरवशाली इतिहास है पनोरमा में उसे दर्शाया गया है, वो गौरवशाली गाथा जिसको मुख्यमंत्री जानेंगे भी, निरीक्षण भी करेंगे। और ये तस्वीर भी आप देख रहे हैं, मुख्यमंत्री को जो भेंट किए गए हैं वो भी, यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं, हर किसी के चेहरे पर खुशी क्योंकि मुखिया उनके बीच में मौजूद हैं। मिलने के साथ साथ अपनी मांगों को भी उन्होंने रखा है क्योंकि हनुमानगढ़ में तो जनसुनवाई भी मुख्यमंत्री ने की और वहाँ से सीधे मुख्यमंत्री पहुँचे हैं श्री गंगानगर के बुढ़ा जोहड़ गुरुद्वारा में मत्था टेक लिया है और बड़ी संख्या में महिलाएं भी यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ कुछ देर का शबद कीर्तन, मुख्यमंत्री कीर्तन में पंगत में बैठे भी हुए हैं और डाबला के बिश्नोई मंदिर में भी मुख्यमंत्री पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचेंगे। यहां से थोड़ी सी दूर पर है बिश्नोई मंदिर जहां पर मुख्यमंत्री पहुंचेंगे। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी रंधावा भी साथ में मौजूद हैं, उन्हें भी आप देख रहे हैं और इन दिनों लगातार मुख्यमंत्री जिलों का दौरा कर रहे हैं और कई जगहों पर ऐसा भी हमने देखा है कि एक नहीं बल्कि दो दो बार मुख्यमंत्री पहुंचे हैं। यहां के लोगों से मुख्यमंत्री ने न केवल मुलाकात की है बल्कि उनकी समस्याओं को भी जाना है और साथ ही साथ वहां के जो कार्यकर्ता हैं उनसे भी मुख्यमंत्री चर्चा कर चुके हैं क्योंकि 26 जनवरी से कांग्रेस का हाथ से हाथ जोड़ो अभियान भी शुरू हो रहा है, एक बड़ा अभियान है, इसे सफल बनाना है और सफल बनाने के लिए लगातार कांग्रेस रणनीति भी बना रही है। ऐसे में राहुल गांधी ने साफ तौर पर कहा था भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कि आपको लोगों के बीच में जाना पड़ेगा
और उसके बाद उस पर अमल भी हम देख रहे हैं हो रहा है। मुख्यमंत्री खुद लगातार लोगों के बीच पहुंच रहे हैं और साथ ही साथ प्रभारी मंत्रियों को भी जिलों में भेजा गया। सुनील सिहाग मेरे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सुनील, अभी क्या चल रहा है, अभी क्या ये शबद कीर्तन है जिसकी तस्वीर हम देख रहे हैं? देखिए दीपिका, अभी अरदास हो रही है और अभी जो काफी बड़ी संख्या में खास संगत यहाँ पे जो आई हुई है, यहाँ पे थोड़ी देर बाद जाएंगे तो उस समय हेतराम बेनीवाल है यहाँ पे पूर्व विधायक, उन्होंने निमंत्रण किया था मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को कि आप जब गुरुद्वारा बुद्धा को उड़ा रहे हो तो इतने ही निमंत्रण यदि आप जरूर आए। उसके बाद में ये कार्यक्रम है जो तय हुआ तो बार बार, हालांकि सीएम का कल जब सीएम यहाँ पे आए थे उसके बाद में यहाँ पे बुद्धागढ़ गुरुद्वारा का और बिजनौई मंदिर का जाने का कोई कार्यक्रम नहीं था। हालांकि कार्यक्रम बार बार सीएम के कार्यक्रम बदलाव होता रहा तो जिस तरीके से आगे से आगे आमंत्रण होता रहा और उसके बाद में ये सारी चीजें अपडेट होती रही तो अब आगे से आगे कार्यक्रम बढ़ता गया सीएम अशोक गहलोत का। तो अभी मुख्यमंत्री गहलोत है जो गुरुद्वारा में अरदास चल रही है और उसके बाद में मुख्यमंत्री थोड़ी देर बाद में यहाँ से बाहर निकलेंगे और सीधा सीधा काफिले के जरिए बिश्नोई मंदिर तक जाएंगे। बिश्नोई मंदिर में जाने के बाद में वहाँ से मत्था टेकेंगे और जो वहाँ पे लोग कुछ बिश्नोई समाज की कुछ मांगे हैं उसको पर्यटक स्थल पर विकसित करने की या कुछ और मांगे हैं तो बिश्नोई समाज की मांगों पर भी बातचीत वहाँ पे जो मुख्यमंत्री गहलोत है वहाँ पे एक मंडल उनसे मिलेगा तो उनसे मिलने के बाद बातचीत होगी, वहाँ से बात करके मुख्यमंत्री गहलोत वापस आएंगे। तो यहाँ पे सिनोरमा जो बना है वह है गुरुद्वारे के अंदर सिनोरमा है, बहुत ऐतिहासिक पैनोरमा बनाया गया है राज्य सरकार के द्वारा तो उसका भी वो निरीक्षण कर सकते हैं। अभी हालांकि फाइनल नहीं, सुनील आप ये बता रहे हैं कि पैनोरमा का निरीक्षण कर सकते हैं, इसका मतलब फिक्स नहीं है क्या? क्या सीधे मुख्यमंत्री पैनोरमा का निरीक्षण ना करके बिश्नोई मंदिर पहुंच जाए, वहां पर पूजन अर्चन वो करें? हाँ बिल्कुल दीपिका, ये इस दिन के लिए संभावित जो चीजें हैं वो चल रही है क्योंकि मुख्यमंत्री गहलोत का जो बुड्ढा जोड़ आने का कार्यक्रम तो कुछ था, उसके बाद में सिनोरमा का और बिश्नोई मंदिर जाने का दोनों जगह का कार्यक्रम फिक्स नहीं था और सुबह होते 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 बिश्नोई मंदिर का कार्यक्रम भी उनका फिक्स हो गया। अभी सिनोरमा का जो निरीक्षण है वो अभी तक पूरा फिक्स नहीं है। हालांकि मुख्यमंत्री गहलोत की स्थिति मिलता रहती है, सिनोरमा में जाने की रहती है, उनको उसका निरीक्षण करने की रहती है, यह समय कम होने के कारण वो जयपुर के लिए रवाना हो सकते हैं। ये सारी चीजें जिसका थोड़ी देखनी पड़ेगी। ठीक है सुनील।